हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ एडवांस स्टेप हेयर कट। बहुत ही इजी तरीका बताया है, 10 क्लिप और जगह जगह पे आपको जुड़े क्या बोलते हैं वो बनाने की जरूरत नहीं है, पार्टिंग करने की इतनी जरूरत नहीं है। सिंपल और ईजी तरीका बताया हुआ है, बहुत ही आसानी से आप इस तरीके का कट कर लो, बहुत ही प्यारा लगता है। किसी के बहुत ज़्यादा पतले और इस तरीके के बाल हैं तो आप ये कट दीजिए, उनके बालों में वॉल्यूम दिखेगा और बहुत ही अच्छा लुक आएगा। क्लच वगैरह लगाती हैं, पोनी बनाती हैं तो भी बहुत अच्छा लुक आएगा। और हाँ, एक और चीज़ बोलनी थी, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसमें अपनी ब्लॉगिंग वीडियोज शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ उस चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उस चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, ब्लॉगिंग वीडियो मेरी देखने को मिल जाएगी। वहाँ मैं रेसिपीज और ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग भी डालते रहती हूँ, और क्या करती हूँ दिन भर में, घूम रही हूँ बच्चों के साथ क्या करती हूँ, वो सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ उस चैनल पे भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। और हाँ, मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आई थी कि मैम क्लीन अप में कौन कौन सी क्रीम यूज होती है और क्लीन अप कैसे करना चाहिए पूरा अच्छे से बताइए, तो कल मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा, तो आपको क्लीन अप के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही आसानी का मतलब इजी तरीका बताया हुआ, और एक एक प्रोडक्ट जो यूज करते हैं हम लोग उसमें उसका क्या काम होता है वो भी बताया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो, और क्लीनअप वाली वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियो है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है सारी वीडियो मैं डालते रहती हूँ। और मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो पोस्ट करती हूँ, कभी बाइट भी ही होगा कि एक दो दिन मिस हो जाए, नहीं तो मैं रोज़ वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और मैं भी आगे बढ़ पाऊँगी आप लोग की मेहरबानी से। आप लोग मेरी फैमिली हो, कभी मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरी 14,000 तक भी फैमिली बनेगी, लेकिन बन गई है। और आगे मुझे उम्मीद है कि आप लोग 14 लाख तक भी मुझे मेरी फैमिली का हिस्सा बनोगे और मुझे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनके बालों में, ऐसे ही सूखे हैं तो इनके बाल थोड़ी सी वॉल्यूम ज़्यादा लग रही है, लेकिन जैसे ही मैं गीले करके और इनको बालों को गीला करूँगी तो आप देखिएगा इनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, तो इनके बालों में वॉल्यूम भी आ जाएगा और कटिंग भी बहुत ही अच्छी लगेगी। बाद में इनका कटिंग सीट हटा के भी मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है कि कैसा लुक आया है, तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा एंड तक। तो कोरोना का टाइम चल रहा है तो यार मास्क लगा के ही मैं आईब्रो और ये सब करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले इनके बालों को गीला करी, मेरी बेटी मान नहीं सकती, वो हर वीडियो में आती है, तो प्लीज़ डोंट माइंड एंड इग्नोर इट। तो सबसे पहले मैं इनके बालों को अच्छे से गीला करूँगी और अच्छे से सुलझा लूँगी। बालों का जैसे बालों की क्वालिटी अच्छी है, हेल्दी हेयर है, बट हेयर फॉल होता है, इस वजह से पतले हो गए हैं। ज़्यादा पतले भी नहीं बोलेंगे, मीडियम वॉल्यूम के हैं इनके हेयर, लेकिन कॉम करने पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पतला लग रहा है। तो सबसे पहले मैं कैसे कट करी हूँ आप देखते रहिए। तो बालों को अच्छे से सुलझा लिया है और अभी फिर से कॉम कर लेंगे एक बार, और इसको जैसे नीचे से जो आपका हेयर होता है उसको पार्टिंग करके ऊपर के हेयर को ऊपर ही क्लचर की मदद से ऊपर सेट कर देंगे क्लिप की मदद से। और इसमें आपको लेंथ, इनकी कितनी लेंथ रखनी है वो देखना है, तो जितनी भी पहले देखिएगा ये इसमें भी चेक करेंगी कि कितना लेंथ कट कर, मतलब ज़्यादा तो नहीं कट हो रहा है, तो देखिएगा अभी चेक करेंगी ये। तो ऊपर के हेयर्स को पहले मैं सेट कर ले रही हूँ, तो सेट हो चुके हैं, अभी मैं कट करूँगी। सीजर ले लिया मैंने, अभी कट स्टार्ट करेंगे। तो नीचे से मैं बिल्कुल स्ट्रेट कट दे दूँगी, तो देखिए ये चेक कर रही हैं तो मैंने जितना इनको चाहिए था उससे थोड़ा कम ही कट किया है, क्योंकि बाद में जब फिनिशिंग देंगे तो थोड़ा सा कट और हेयर का लेंथ निकल जाएगा। इस तरीके से हेयर को फिंगर में लेंगे, आप चाहो तो सिंगली इस पूरे हेयर को एक साथ लेके कट कर सकते हो, चाहो तो हाफ हाफ लेके भी कट कर सकते हो। इस तरीके से लेके एडवांस स्टेप कट करना है इनको, तो पहले मैं इसमें थोड़ा सा कट एकदम हल्का सा लाइट कर दूँगी 1/2 इंच तक का, फिर दूसरे साइड भी इसी तरीके से कट करेंगे। इससे जो बालों की लेंथ है उसमें भी वॉल्यूम नीचे से भी दिखता है इस तरीके से कट कर देने से। तो ये मैंने पूरे हेयर्स को लिए और दूसरे वाले हेयर के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग थोड़े से हेयर को कट कर दिया। अभी हम पूरे बालों को ओपन कर लेंगे, ये हमारा लेंथ हो गया बालों का। तो अभी पूरे बालों को हमने ओपन कर लिया और थोड़े थोड़े हेयर्स लेके जैसे 3 या 4 सेक्शन में लेके इन पे
स्टेप डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ से मैंने इतने से हेयर लिए हैं पहले, और इसको अच्छे से कॉम करके 70-80 डिग्री पे लेके जाएंगे, क्योंकि इनको फुल लेयर नहीं चाहिए था, फुल स्टेप नहीं चाहिए था, मतलब नीचे से ही चाहिए था। बोल रही थी ज़्यादा मत कट करिएगा, थोड़ा कम ही लेयर रहेगा तो चलेगा। तो मैं 70-80 डिग्री पे इस तरीके से लेके जाऊंगी। पूरा स्ट्रेट ले जाते हो तो उसको 90 डिग्री कहते हैं, और थोड़ा सा मतलब तिरछा रहता है तो उसको 70-80 डिग्री, या फिर थोड़ा सा उठाओगे तो 50 डिग्री 60 डिग्री ऐसे करके बोलते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा स्टेप कट किया है। अब कैसे बीच वाले हेयर्स को उठाएंगे इसी तरीके से, और फिर उसी लेवल पे मतलब 80 डिग्री पे उठा के 70-80 डिग्री पे उठा के लेके जाएंगे ऐसे। ये देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा के ले, देख रहे हैं मैं पूरा स्ट्रेट नहीं कर रही हूँ, सॉरी कैमरे में उतना आया नहीं है, क्योंकि मुझे सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने ट्राईपोड में कैमरा सेट कर दिया है, मतलब मोबाइल से ही मैं वीडियो शूट करती हूँ और मोबाइल से ही एडिट करती हूँ। गाइस आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं कैमरा भी ले लूँगी, और अभी अच्छी क्वालिटी की वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी कैमरा वगैरह लेके और आप लोग को और अच्छी अच्छी वीडियो दे पाऊँ बना के। तो इसको भी सेम उसी मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए किस तरीके से उठाया है मैंने, ज़्यादा स्ट्रेट नहीं लेके गई हूँ, थोड़ा तिरछा ही ऊपर तक लेके गई हूँ। और ये जो आपकी गाइडलाइन दिख रही है नीचे वाली हेयर, उसके अकॉर्डिंग ही सारी कट कर देनी है। तो बहुत ही अच्छा लेयर आया है। लास्ट में आपको वीडियो के एंड में पूरा फाइनल लुक देखने को मिलेगा। अभी बहुत सारा स्टेप डालना है, फ्रंट से भी कट किया था बट इनको अपना फेस नहीं दिखाना था, तो मैंने मतलब दिखाया है लेकिन फेस नहीं दिखाया हुआ है। तो देखते हैं, मैंने स्ट्रेट कॉम कर दिया, उसमें भी लेयर दिख रहे हैं। अभी हम लोग जो हमारा जहाँ से हम लोग पफ बनाते हैं उतना हेयर उठाएँगे क्राउन एरिया से, और इस तरीके से लाइन बनाएँगे दोनों साइड से, अच्छे से हेयर को लेंगे और इसको ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे। जो हमने बाल पकड़े हैं क्राउन एरिया के, उनको ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे, और इस तरीके से फिंगर में लेंगे। इसको आप 90 डिग्री पे लेके जा सकते हो, और इतने हेयर्स कट कर देंगे। ओके, और इसमें थोड़ा सा सीजर को स्ट्रेट रख के और कटिंग लगा देंगे। इससे आपकी क्या होती है कि स्टेप और लेयर अच्छे से आ जाता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और अभी ये हमारा फर्स्ट स्टेप है ऊपर वाला, और नीचे वाला लेंथ है। अब इसके बीच में पूरी स्टेप्स डलेंगी, तो देखिए वो कैसे डालना है। तो यहाँ से इतने हेयर उठाएंगे हम लोग, और इस तरीके से हेयर को ले लिया है, और यहाँ से जो हमारी लेंथ थी उसको नहीं कट करना है, क्योंकि उससे वॉल्यूम कम हो जाएगा बालों का, तो उसको हमने निकाल दिया। अब पूरे बालों को ऊपर की तरफ स्ट्रेट कट लेके जाएंगे, और मैं भी ड्रायर लगा के भी दिखाऊंगी। तो इनके बाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट हैं, तो इस तरीके से लिया है और इस तरीके से कट कर दिया, और सीजर को स्ट्रेट रख के और उसमें चंपिंग लगा दी है। और अभी देखिए पूरे बालों में स्टेप अच्छे से दिख रहे हैं। पहला स्टेप था, उसके नीचे पूरा स्टेप डल गया। अभी इधर वाले हेयर को भी लेके जाएंगे। अब दूसरी साइड से भी सेम उसी तरीके से हेयर को लेंगे, और नीचे वाले हेयर्स को छोड़ देंगे, ताकि वो हमारी लेंथ में और वॉल्यूम में दिक्कत ना आए। तो और ऊपर के हेयर को इस तरीके से कॉम करके लेके जाएंगे। नब्बे डिग्री पे पूरा स्ट्रेट लेके जाना है ऊपर के हेयर्स को, और ऐसे कट करना है जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है आपको। ये देखिए हमारी गाइडलाइन आई होप दिख रहा हो, ये देखिए उसके अकॉर्डिंग ही सारे हेयर को कट कर देंगे, और सीजर को स्ट्रेट रख के इसमें कट लगा देंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा लेयर कट आएगा। अभी हम लोग फिर से थोड़ा सा कट और करना है। वाओ, अभी बीच से थोड़े से हेयर को इस तरीके से उठाएंगे, और फिर इसको भी ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा स्टेप आ जाएगा आपके बालों में, स्टेप डल जाएगा। इस तरीके से हेयर को कट करेंगे, जो हमारी गाइडलाइन आपको दिख रही है उसके अकॉर्डिंग सारे हेयर को कट कर देंगे, और स्ट्रेट कॉम करके। वाओ, अभी हम लोग इसमें लेंथ बनाएंगे। ड्रायर भी लगा के दिखाऊंगी, तो पूरा वीडियो देखते रहिए एंड तक। फाइनल लुक पिक क्लिक भी की है, तो वो भी दिखेगी आपको। अभी आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा इस।
ये क्लच लगाएंगे तो भी बहुत प्यारा सा लगता है, लुक आएगा। तो दिख रहा है गाइज आप लोग को, अभी इसका लेंथ अच्छे से निकाल लेंगे, जो साइड साइड से फिनिशिंग मतलब दे देंगे, लेंथ नहीं निकालनी है, फिनिशिंग देनी है बालों को। तो चलिए अच्छे से इसको कॉम्ब करके और फिनिशिंग दे देते हैं मिडल पार्टिंग से, बीच की मांग से, यानी कि बीच की मांग निकाल लेंगे और पूरे बालों को अच्छे से कॉम्ब करेंगे और हल्का यू में इसको पूरे बालों को कट कर देंगे। तो जो भी हमारा पतला सा हेयर लग रहा है उसको कट कर देंगे। मैं वाइट कटिंग सीट इसीलिए लगाती हूँ ताकि कट अच्छे से दिख जाए। तो ये हमने इस तरीके से फिनिशिंग दे दिया बालों को और अभी इसमें फ्रंट के हेयर को कट करेंगे। फ्रंट के हेयर को कट करने के लिए ईयर टू ईयर पार्टिंग ले लेंगे बालों की, इधर से और इधर से पूरी ईयर टू ईयर पूरा पार्टिंग लेंगे और बालों को पूरा स्ट्रेट ले जाके नोज की सीध में एकदम उतनी लेंथ पे आपको कट कर देनी है। ओके, तो इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग लिया है, सारे बालों को एकदम स्ट्रेट कॉम करेंगे और फ्रंट में लेके जाएंगे। मेरे लुक को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि शाम का टाइम था और कस्टमर आ गए, तो मैं ऐसे ही आ गई पार्लर में। तो इस तरीके से पूरा हेयर कट कर देंगे। ये देखिए इतना लेंथ फ्रंट से इनका निकला है और बहुत ही अच्छा लुक आया था फ्रंट से भी, ये देख सकते हो कितना अच्छा बैंग्स इनका कट हो गया, फिलिक्स बोलते हैं इसको। तो चलिए बैक से ड्रायर लगा के दिखा देते हैं। तो बैक से ड्रायर पहले मैंने ऐसे थोड़ा सा ड्राई कर लिया है, उसके बाद से पूरे बालों को फोल्ड करके राउंड राउंड करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। कैसे करना है वो देखते रहिए आप, इस तरीके से पकड़ेंगे, देख सकते हैं पोनी भी बनाई है तो कितनी प्यारी लग रही है। तो इस तरीके से कॉम करेंगे बालों को और अच्छे से, आप चाहो तो इसमें रबड़ भी लगा सकते हो, क्लचर भी लगा सकते हो, बट मैंने ऐसे हाथों से ही पकड़ के और इसमें थोड़ा सा ऐसे राउंड मोड़ के और इसमें ड्रायर लगाया है। तो ड्रायर लगाने के बाद से मैं दिखाती हूँ लुक कैसा आता है। इस तरीके से पूरा ड्रायर लगा लेंगे। उसके बाद से लुक कैसा था वो भी दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा लुक आया था बाल सूखने के बाद से, बहुत अच्छा लुक आया था, इनको बहुत खुशी हुई। तो अभी आप फाइनल लुक देखने के बाद से बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को लुक इनका। तो हो चुका है, अभी इसको ओपन करेंगे और इस तरीके का लुक आया था। अभी पूरा अभी थोड़ा सा कॉम करके और फिर दिखा देती हूँ कि कैसा लुक आया था। आपको लेयर्स तो आई होप दिख रहे होंगे सारे, तो फाइनल लुक क्या था वो भी देख लीजिए। पहले मैं इसी में ही दिखा रही हूँ ऐसे, इस तरीके से क्लच लगाने पे भी बहुत ही प्यारा आएगा। वाह, इस तरीके से मैंने क्लचर लगा दिया है, अभी पकड़ के दिखा देती हूँ बालों को। और इतने भी हेयर कट हुए थे इनके, फ्लोर पे गिरे हुए हैं, ये भी मैं दिखा देती हूँ। ये लेंथ है और फाइनल लुक अभी आपको दिखेगा। तो ये था इनका फाइनल लुक, कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएगा कटिंग। आई होप तो वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। पूरा ऊपर से स्टेप नहीं दिया, नीचे नीचे स्टेप दिया है, बहुत ही अच्छा लगा। फुल बालों में स्टेप दिया है, तो इस तरीके से आप फुल स्टेप हेयर कटिंग सीख सकते हो। ये ओपन के साथ था बट थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है, तो उसके लिए प्लीज़ इग्नोर इट। लेकिन हेयर कटिंग बहुत ही अच्छी हुई थी, कस्टमर को भी बहुत प्यारी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो एक बार और इनका फाइनल लुक देख लीजिए। हेयर कट अच्छी लगी होगी, कैसी लगी हेयर कट जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।